Hello, student. In the previous video, we have talked about the different type of the motion, speed. One topic remain to describe before you. एक टॉपिक जो है सॉरी फॉर से दैट दिस इज दिस टॉपिक इज है ना यू मिस चांसली इस टॉपिक को हमें पहले डिस्क्राइब कर देना चाहिए लेकिन संजोगवश यह टॉपिक डिस्क्राइब नहीं हो पाया एंड वी मूव फॉरवर्ड और हम लोग आगे बढ़ गए. नाउ वी कम बैक टू डिस्क्राइब दैट पॉइंट. डिस्टेंस, what is the distance kise kehte hain, the length of the path through which an object travel is called distance. The length of path through which an object travel is called distance. इसे क्या कहते हैं? Distance. Suppose that an object is start from point A and it travel to B and then this follow this path to C and again going to this follow this path D and then come to E. Clear? एक ऑब्जेक्ट जो है एक बॉडी ए से चलना प्रारंभ किया, ए से बी पर पहुंचा, बी से सी पर, सी से फिर डी पर, डी से ई पर, भिन्न भिन्न दिशाओं में. तो इसने ट्रेवल किया ए से बी तक, बी से सी, सी से डी और डी से ई ट्रेवल किया. तो जो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस है यानी प्रत्येक यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी. दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ. ये टोटल जो लेंथ है इन सबको ऐड कर देंगे तो ये ट्रेवल डिस्टेंस हो जाएगी, टोटल ट्रेवल. सपोज दैट ए मैन a man travel 5 meter eastward and then turn to his right and move 7 meter, है ना? तो कैलकुलेट डिस्टेंस चला. एक आदमी जो है ईस्टवर्ड यानी पूरब की ओर चला, ठीक है. ये जो है बोर्ड पर आपका ईस्ट वार्ड हम ऐसे दिखाते हैं, देख लीजिए ये हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया. तो ए मैन ट्रेवल ईस्ट वार्ड 5 meter, ठीक है, एंड देन टर्न हिज राइट, उसका दाहिना किधर हुआ, इधर हुआ, एंड ट्रेवल 7 meter. और कितना दूर तय किया है उसने, 7 meter. तो मान लीजिए ए बी और सी, तो ए बी बराबर
5 मीटर, BC बराबर 7 मीटर, इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल बराबर AB प्लस BC बराबर 5 मीटर प्लस 7 मीटर बराबर, इस तरह वह 12 मीटर ट्रेवल किया। ठीक है, तो इसे कहते हैं डिस्टेंस, यानी लेंथ ऑफ पाथ, यानी जिन जिन रास्तों से होकर वह गुजरता है उन रास्तों की जो कुल लंबाई है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं डिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या है। डिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या है, एक चीज देखें, नंबर एक, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, यह डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करता। दूसरा, इट ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, यह जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। इफ ए बॉडी इज ट्रेवल देन इट नेवर बी जीरो, ठीक है ना, इट ऑलवेज बी पॉजिटिव इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल देन इट नेवर बी जीरो, नेवर बी यह जीरो नहीं हो सकता, है ना, जीरो नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता, नेवर भी जीरो और निगेटिव, और यह निगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, या यदि कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल पे कर रही है तो यह इसका वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता, है ना। चार नंबर, इट्स एस आई यूनिट इज मीटर, यह जो है एस आई यूनिट इज क्या है, मीटर है। एंड डिनोशन यू मेड गिव द डिनोशन समवेयर द एस समवेयर डी समवेयर एक्स समवेयर जेड, सो द डिनोशन इज नॉट फिक्स, क्लियर। नाउ वी टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। The shortest length of path along a straight line between initial and final position of an object is called displacement. आइए देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से स्टार्ट हुई एंड इट मूव अलोंग दिस लाइन टू बी, कहां गई, बी की, एंड देन टर्न टू ए राइट, और यह कहां आ गई, सी। तो हमारा डिफरेंस द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ अलोंग द स्ट्रेट लाइन, किसके किसके बीच में, इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन एंड दिस इज द इनिशियल पोजीशन, सो दिस इज योर द अलोंग स्ट्रेट लाइन,
यह जो स्ट्रेट लाइन है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां जो एसी होगा, एसी क्या है? डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल की ए से बी, बी से सी, तो ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, हमने क्या देखा? उसी तरह सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, दिस इज ए सर्कुलर पाथ, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दिस इज ए सेंटर, इसकी मान लीजिए कि रेडियस आर है, और ऑब्जेक्ट ए, ये ए से चलना शुरू किया और यह घूमता हुआ ए पर पहुंच गया। ठीक है ना, यानी वन राउंड में कहां पहुंच गया? ए पर। ठीक है, तो ध्यान से देखें, तो हमारा कहता है इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल कहां से शुरू किया था? ए से, और फाइनल फिर कहां पहुंचा? ए पर। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन इज सेम, यानी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, इसलिए क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? बराबर चीज, क्या हो गया? जीरो। लेकिन इसने डिस्टेंस ट्रेवल की अलोंग द सर्कुमफेरेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? है ना, सर्कुमफेरेंस, सर्कुमफेरेंस के बराबर, यानी सर्कुमफेरेंस कितना होता है? 2πr। तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। यदि सपोज दैट इन ए हाफ राउंड, है ना, हाफ राउंड यह करता तो यह कहां पहुंच जाता? बी पर। आधे चक्कर में यह कहां पहुंच जाता? बी पर। तो इसका इनिशियल पोजीशन यहां है, फाइनल पोजीशन क्या है? ये। तो फिर हमारा कहता है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, तो इनिशियल यह है, फाइनल यह है, और इन दोनों के बीच अलोंग ए स्ट्रेट लाइन यह किसके बराबर है? डायमीटर के बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो गया? 2r, यानी डायमीटर। ठीक है ना, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इतने के हाफ सर्कुमफेरेंस, यानी पाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई आर, हाफ सर्कुमफेरेंस। पोजीशन क्या होगी? ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछी जाए तो यह डायमेट्रिकली अपोजिट हो गया, डायमेट्रिकली अपोजिट हो गया। ठीक है, मैं समझता हूं कि आप इसे बेहतर से आपने समझा होगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है। क्लियर, अब आइए डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी। डिस्प्लेसमेंट, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहला क्या है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? बिकॉज इट हैज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसलिए यह एक वेक्टर क्वांटिटी है।
दूसरा इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, या पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। या पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा, है ना। तीसरा इट इज मेजर्ड इन एसआई इन मीटर, एसआई में यूनिट में हम इसे किसे मेजर करते हैं, मीटर के जरिए। अब जरा देखें डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, जीरो होगा, पॉजिटिव होगा। सपोज दैट ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये से यह कहां गया, बी पर, ये इसका फाइनल पोजीशन। तो एबी जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी डिस्प्लेसमेंट एबी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और यह क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब देखें ऑब्जेक्ट ट्रेवल ए टू बी एंड फ्रॉम बी इट टर्न बैक एंड रीचेज टू सी। अब इसकी दिशा क्या हो गई, अब देखें तो पहली बार दिशा ऐसे थी, दूसरी बार दिशा ऐसे हो गई, यानी अपोजिट डायरेक्शन हो गया, यानी ए से बी गया और बी से टर्न किया और कहां तक पहुंचा, सी पर। तो ये बी सी जो होगा यह निगेटिव होगा, बी सी जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि यदि इस पोर्शन के लिए हम ले लें तो यह इनिशियल हो गया या फाइनल हो गया, तब ऐसी दशा में बीसी क्या होगा, निगेटिव होगा या निगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ठीक है ना, तो ये है फाइनल, ये है इनिशियल, ठीक है ना। तो एसी बराबर एबी माइनस बीसी हो गया, बीसी निगेटिव हो गई, तो ये हमारा एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ। यदि हम कहते कि डिस्टेंस ट्रेवल किया होता तो डिस्टेंस बराबर हो जाता ए बी प्लस बी सी, ये हमारा डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। अब एक दूसरा देखें, ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू की, बी पर पहुंची और बी से फिर या वापस लौटी और फिर कहां पहुंच गई, ए पर, ठीक है। तो ये था इनिशियल और वापस इसका कहां तक पहुंचा, ए पर। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गई, जीरो, सेम हो गया, सॉरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई दूरी नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इसे क्या हो कहते हैं, हम जीरो कहते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया। लेकिन डिस्टेंस क्या आएगा, हम आपको इसलिए बार बार दे कि कहीं कंफ्यूजन ना हो, यहां डिस्टेंस क्या आएगा, ए बी प्लस बी ए, यानी ट्वाइस ऑफ ए, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, ठीक है। पीछे सर्कुलर पाथ में भी हमने वैसे आपको बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा। यहां मेरा मकसद था निगेटिव और जीरो दिखाना, कि निगेटिव कैसे होता है और जीरो कैसे होता है। एक और चीज हम आपको कार्टेशियन सिस्टम में, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, आप मैथ पढ़ते होंगे तो मैथ में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा टू एक्सेज, है ना,
कट ईच अदर परपेंडिकुलरली, तो जहां कट करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम जीरो कहते हैं, यानी ओरिजिन कहते हैं, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव डायरेक्शन, ये डायरेक्शन क्या हो गया पॉजिटिव, यानी ये डायरेक्शन जो है पॉजिटिव है। सो डिस्प्लेसमेंट मेजर along the positive direction will be positive, and opposite यानी origin से right measure करते हैं तो positive, और यदि left measure करते हैं, यदि इधर है तो ये हो गया negative। यदि origin से हम ऊपर की ओर measure करते हैं तो ये हो जाता positive, और नीचे की ओर measure करते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कार्टीजियन में भी हम देखें तो हमारा कोई आर्बिट्री ओरिजिन कुछ भी हम ले सकते हैं, कोई एक स्केल हम ले लें, है ना, यहाँ हमारा ओरिजिन हो गया। अब ओरिजिन से हम इधर जितना मेजर करेंगे यह पॉजिटिव होगा, और ओरिजिन से इधर जितना मेजर करेंगे यह क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट इन राइट साइड टर्न यानी चेंज इट्स डायरेक्शन, इफ द डायरेक्शन चेंज देन द साइन विल बी चेंज। सो द डायरेक्शन, इफ डायरेक्शन बी चेंज चेंज देन द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल ऑल्सो चेंज। यदि डायरेक्शन बदलती है तो साइन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट भी बदलेगी, विल ऑल्सो चेंज। तो इस दिशा में यदि पॉजिटिव है और यदि डायरेक्शन बदल जाता है तो वह क्या हो जाता है निगेटिव हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम एक और तरीके से भी डिफाइन, द डिस्टेंस ट्रेवल इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, है ना। यदि डिस्प्लेसमेंट को एक नए तरीके से डिफाइन करना हो, द डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन, है ना, और पार्टिकुलर पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसे हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता है, जीरो कब होता है, जब डायरेक्शन बदलेगा तो साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, तो साइन चेंज कर जाता है। इस तरह आज हम लोगों ने पढ़ा। इन द नेक्स्ट सेशन ऑन द बेस ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल हम कुछ प्रॉब्लम पर चर्चा करेंगे, तब फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।